Good morning, students. Hope you all are fine. Let us start with a new chapter, that is theory of supply. Theory of supply is one chapter which is similar to theory of demand. हमने जो chapter last class में खत्म किया है, that is theory of demand और elasticity of demand. Theory of supply बिल्कुल इसी के parallel जाएगा. Main difference है theory of demand जो था, that was discussed from the consumer point of view. And theory of supply is going to be discussed from producer point of view. Theory of supply is from the producer point of view because economy में जो supply करता है वो producer है और जो demand करता है वो consumer है. हम consumer हैं और जो supply करता है उसे producer कहते हैं. Theory of supply बिल्कुल theory of demand के parallel चलेगा. जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने डिटर्मिनेंट डिस्कस किए थे वैसे सप्लाई के डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे. जैसे वहां पे डिफरेंसेस डिस्कस किए थे सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे. जिनको थ्योरी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ आया उनको थ्योरी ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ आएगा. इसीलिए सप्लाई चैप्टर उठाने से पहले आप डिमांड उसके नोट्स उसकी डिग्रीज इलास्टिसिटी ये सारा कुछ कंप्लीट करके थ्योरी ऑफ सप्लाई लर्न करना शुरू करना. थ्योरी ऑफ सप्लाई और डिमांड दोनों मिला के हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. जिनको थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई नहीं समझ आया है उनको प्राइस डिटर्मिनेशन भी नहीं समझ आएगा. सो काइंडली नोट इट ऑफ कि आपको थ्योरी ऑफ डिमांड प्रॉपरली रिवाइज करना है, थ्योरी ऑफ सप्लाई प्रॉपरली समझना है अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर को एंजॉय करना है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. वो टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर है लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर में इंटरेस्ट तभी बनेगा अगर आपको डिमांड की कंप्लीट नॉलेज है और सप्लाई की कंप्लीट नॉलेज है. अगर डिमांड सप्लाई कर्व में कंफ्यूज्ड हो तो कभी भी आपको नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्राइस डिटरमिनेशन नहीं समझ आएगा. ये सब चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है तो यू नीड टू मेंटेन द चेन. अगर डिमांड यहां समझ आया तो सप्लाई समझ आ जाएगा, सप्लाई समझ आ गया तो प्राइस डिटरमिनेशन समझ आ जाएगा. सो बी बट सीरियस विद योर स्टडीज एंड गो थ्रू द चैप्टर इन डिटेल. आपके पास जो नोट्स हैं दे आर मोर देन एनफ, गो थ्रू देम इन डिटेल बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ थ्योरी ऑफ सप्लाई हम आज इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे. पहली डेफिनेशन जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टॉक. नाउ व्हाट इज स्टॉक? इट इज टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर और टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. हमने विंटर्स की प्रोडक्शन, आपको पता है कि विंटर सीजन के लिए प्रोडक्शन समर सीजन में कर ली जाती है कि जैसे विंटर आएगा उसमें जो भी डिमांड होगी वुलन्स की उसके लिए प्रोडक्शन पहले ही एडवांस में कर ली जाती है. तो जो प्रोडक्शन ऑफ वुलन्स विच हैव बीन डन बाय द प्रोड्यूसर विच इज अवेलेबल विद देम इन द गोडाउन्स इज कॉल्ड एज स्टॉक. टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज स्टॉक. तो स्टॉक वो क्वांटिटी है, से प्रोड्यूसर ने 5000 स्वेट शर्ट्स प्रोड्यूस की हैं तो 5000 स्वेट शर्ट्स जो हैं दैट इज द टोटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर. ये टोटल प्रोडक्शन जो है एट जो उसने पूरे सीजन के लिए कर ली है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. जो उसके पास गोडाउन में रेडी पड़ा है, जो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग वो मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा वो स्टॉक है. नाउ अगर स्टॉक समझ आ गया तो सप्लाई वो क्वांटिटी है स्टॉक में से जो प्रोड्यूसर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस मार्केट में लाने के लिए तैयार है. स्टॉक टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन का वो पार्ट. अगर आज मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज अनाउंस होता है तो वो 200 स्वेटर्स लाके सेल करने के लिए तैयार है. अगर स्वेटर का प्राइस से 400 अनाउंस होता है वो 800 स्वेटर्स सप्लाई करने के लिए तैयार है. अगर प्राइस 600 होता है से वो 2000 स्वेटर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है. तो ये क्वांटिटी जो वो मार्केट में लाने के लिए रेडी है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इज कॉल्ड एज सप्लाई. ध्यान से, स्टॉक टोटल प्रोडक्शन को कहते हैं, जो उसने टोटल प्रोड्यूस करके रखा हुआ है उसे स्टॉक कहते हैं. उसका वो पार्ट जो वो मार्केट में लाने के लिए रेडी है उसे सप्लाई कहते हैं. तो बेसिकली सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. सप्लाई स्टॉक का ही हिस्सा है जो वो प्रोड्यूसर मार्केट में लाके बेचने के लिए तैयार है. सो स्टॉक एक वाइडर टर्म है, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकती. सप्लाई कैन नॉट एक्सीड द स्टॉक. अगर टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस 5000 है तो सप्लाई कभी भी 6000-7000 नहीं हो सकती क्योंकि सप्लाई किसका पार्ट है? स्टॉक का पार्ट है. तो सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ब्रिंग टू मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. वो
स्टॉक का हिस्सा जो प्रोड्यूसर मार्केट में लाने के लिए तैयार है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इज कॉल्ड एज सप्लाई. सो सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. अगर हम डिफरेंस देखें कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया कि समर्स में उसने विंटर के गुड्स की कितनी प्रोडक्शन कर ली है, कितने स्वेटशर्ट प्रोड्यूस कर रही है. सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो भी चीज मेजर होती है उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं. अच्छा बेटा, एक दो चीज हम बार बार इसमें वर्ड यूज करेंगे, स्टॉक एंड फ्लो. याद रखना, जिस भी चीज को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, दैट मींस जिसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, जिस चीज का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, उस चीज को स्टॉक कहते हैं. मतलब टोटल प्रोडक्शन एज ऑन 31st September ऑफ द स्वेटशर्ट्स बाय अ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड एज स्टॉक. टोटल प्रोडक्शन एट अ पॉइंट 31st December, कब का शुरू कब हुआ 31st और उसके एंडिंग डेट का पूछ रही हूँ 31st, तो उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं. जिस चीज को हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होगी ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम 1st August टू 31st September, टाइम पीरियड हो गया, स्टार्टिंग है 1st August, एंडिंग है 31st September, तो इसे फ्लो कंसेप्ट कहते हैं. हम ये टर्म बार बार यूज करेंगे, 12th तक यूज होगी. अभी के लिए सिर्फ ये समझिए, जब स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेम है तो उसे स्टॉक कहते हैं. जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग डेट टाइम डायमेंशन है, चाहे घंटों का डिफरेंस है, सप्लाई एज ऑन 15th December एट 2, सप्लाई एज ऑन 15th December एट 8, 2 बजे से लेके 8 बजे, जब ड्यूरिंग हो जाता है तो वो फ्लो कंसेप्ट है, जब पॉइंट पे पूछा जाता है तो वो स्टॉक कंसेप्ट है. सप्लाई हमेशा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर की जा स्टॉक सॉरी हमेशा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, इसीलिए ये स्टॉक कंसेप्ट है. और जो सप्लाई है वो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है, इसीलिए सप्लाई को फ्लो कंसेप्ट में डाला जाता है. सो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इसकी टाइम डायमेंशन होती है. मैंने अभी आपको सप्लाई बोला, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जब ड्यूरिंग कह दिया मतलब एक स्टार्टिंग होगी और एक एंडिंग होगी, तो उसे हम सप्लाई कहेंगे. तो स्टॉक स्टॉक कंसेप्ट है और सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है. स्टॉक स्टॉक कंसेप्ट है और सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई. स्टॉक सप्लाई से हमेशा ज्यादा होता है एंड सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. सप्लाई किसका पार्ट है? स्टॉक. दोबारा से, 5000 गुड्स प्रोड्यूस की गई वो स्टॉक है, 2000 में मार्केट में इस प्राइस पे लाने के लिए तैयार हूं वो सप्लाई है. 2000 इज स्मॉलर देन 5000, सो स्टॉक हमेशा बड़ा होगा और सप्लाई हमेशा स्टॉक का पार्ट होगी. सो सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक. दिस इज नेक्स्ट डिफरेंस. स्टॉक पहले डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन. दूसरा स्टॉक, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. सप्लाई, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. थर्ड, स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई. सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. इससे आई सपोज स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि वॉट इज स्टॉक एंड वॉट इज सप्लाई. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई, हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई. सारे डेफिनेशंस बताने से पहले वही चार वर्ड जैसे मैंने आपको डिमांड में बोला था याद करने के लिए, वैसे ही आपको सप्लाई में याद करने हैं. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अगर डिमांड याद हो तो उसमें भी पहला वर्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी था. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, वहां था कंज्यूमर, यहाँ प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स willing to sell in the market at different
पॉसिबल प्राइजेस एंड लास्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर्स रेडी और विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जब हमने डिमांड डिस्कस किया था, हमने क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, कंज्यूमर या कंज्यूमर्स एबल एंड विलिंग डाला था, या रेडी और विलिंग डाला है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर डिमांड की डेफिनेशंस प्रॉपरली समझी थी और याद की हैं, तो सप्लाई की डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट इज टोटली मैचिंग विद व्हाट वी हैव डिस्कस इन डिमांड. टोटल उसी के साथ पैरेलल काम हुआ है. जो आपने डिमांड में डिस्कस किया था, उसी की पैरेलल सप्लाई. सिर्फ जो डिमांड में कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आपको सारी की सारी डेफिनेशन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलनी है. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डेफिनेशन, इंडिविजुअल सप्लाई. लेट्स मेक द डेफिनेशन. इट इज क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज रेडी और विलिंग टू सेल इन द मार्केट at different possible prices during a given period of time. So let's write it. It is quantity of commodity of a producer. Individual hai to a producer, market hai to all producer. इंडिविजुअल का मतलब सिंगल. सो इट इज क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी अ प्रोड्यूसर और सिंगल प्रोड्यूसर इज विलिंग to sell in the market at different possible prices during a given period of time. आप ये देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन में मैंने कुछ भी नया नहीं है, और रादर सारी डेफिनेशंस में कुछ भी नया नहीं होगा. इट विल बी ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जो ये ऊपर चार वर्ड्स हैं, चार हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इन्हीं को कंबाइन करके, चार स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके सारी की सारी डेफिनेशंस बनेंगी. सो इंडिविजुअल सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी. ये वो क्वांटिटी है कॉमोडिटी की जो प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर इज willing to sell, वो तैयार है sell करने के लिए in the market at different possible prices. जो different possible prices पे, जो मैंने अभी आपको पीछे शेड्यूल बताया था कि अगर price 100 है तो वो 500 चीज लेके आने के लिए तैयार है, अगर price 200 है तो वो 600 चीजें लेके आने के लिए तैयार है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में लाना पसंद करेगा. क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्रोड्यूसर को एक चीज में फायदा कब ज्यादा होगा? जब एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. मैं एक चीज को 100 रुपए का प्रोड्यूस कर रही हूं, अगर चीज 200 की मार्केट में बिकती है तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन हुआ 100 रुपीज. अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए है और मैं चीज को मार्केट में लाके 200 का बेचती हूं, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपीज हुआ. अगर वही चीज 200 की जगह 300 की बिकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम 100, अब चीज बिक रही है 300 की, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 200 रुपीज. सो आई विल बी रेडी टू ब्रिंग मोर क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी टू द मार्केट, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस राइज करेगा, मी एज अ प्रोड्यूसर, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, एंड आई विल बी रेडी टू ब्रिंग मोर क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी टू द मार्केट. इसीलिए इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो वो तैयार है, इन द मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी लाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा. नेक्स्ट वन, मार्केट सप्लाई. सेम कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन फ्रेम करनी आ जाएगी अगर इन चार लाइन्स के ऊपर कमांड हो जाएगी. इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट ऑल प्रोड्यूसर्स, अब अ प्रोड्यूसर नहीं है, मार्केट में सारे प्रोड्यूसर्स को इकट्ठे लेना है, ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम.
दैट मीन्स कुछ भी नहीं किया, जो सेम इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन थी सेम मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन बनाई है, जहां पे प्रोड्यूसर था यहाँ पे ऑल प्रोड्यूसर्स आ जाएगा, बाकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, टोटली सेम डेफिनेशन है, सिर्फ प्रोड्यूसर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्रोड्यूसर्स से, सिंगल प्रोड्यूसर को ऑल द प्रोड्यूसर्स टुगेदर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, या प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर्स से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि इंडिविजुअल में सिंगल प्रोड्यूसर था और मार्केट में ऑल द प्रोड्यूसर्स टुगेदर आ गया. सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी दैट ऑल प्रोड्यूसर्स टेकन टुगेदर, सबको इकट्ठा ले लो, ऑल प्रोड्यूसर्स taken together are willing to sell in the market at different possible prices during a given period of time. So this is called as market supply. Quantity of a commodity that all producers taken together are willing to sell in the market at different possible prices during a given period of time. This will be called as market supply. Now, individual, single producer, market, all producers. यहाँ सिंगल प्रोड्यूसर, बाकी ऑल प्रोड्यूसर्स. अगला बेटा इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई के बाद इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किया था, अब करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब जब मैंने डिमांड करवाया था बताया था टेबल होता है, टेबल शोइंग. सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, वहां पे हमने लिया था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यहां लेंगे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड. प्राइस को रुपीस में लेना है, क्वांटिटी सप्लाइड को यूनिट्स में लेना है. प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 से मैंने बोला जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर मार्केट में ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, सो ही विल बी रेडी टू ब्रिंग मोर क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी टू द मार्केट. से 100, 200, 300, 400 and 500 दिस शेड्यूल इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. क्या दिखा रहा है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल? इट इज अ टेबल. ये क्या है? इट इज अ टेबल शोइंग the supply of a single producer in the market. Individual supply ki definition mein, it is a quantity of commodity. It is a table showing the quantity of a commodity a single producer is willing to sell in the market at different possible prices during a given period of time. Sirf ye table word add kiya hai. It is a table showing the supply of a single producer in the market that he is willing to bring to the market at different possible prices during a given period of time. So that means, जब tabular presentation में हम individual supply को दिखाते हैं, उसे individual supply schedule कहते हैं. और what is market supply schedule? Same जैसे हमने individual supply schedule की definition draft की है, वैसे ही market supply schedule की definition draft करेंगे. It is also a table showing the supply of all the producers in the market, that all the producers or all the sellers in the market, that they are ready to sell at different possible prices during a given period of time. Market supply schedule, suppose karo market mein do hi suppliers hain, A or B. So A or B price टेन ट्वेंटी, सेम प्राइस लिया है 30, 40, 50, क्वांटिटी 100, 200, 300, 400 and 500. बी लेके आ रहा है से 200, 300, 400, 500, 600. तो मार्केट सप्लाई
इज सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स. कितने प्रोड्यूसर्स हैं? ए और बी दो प्रोड्यूसर्स हैं. 100 प्लस 200 300, 3 प्लस 2 500, 4 प्लस 3 700, 5 प्लस 4 900, 6 प्लस 5 1100. प्रोड्यूसर्स की जगह आप सेलर वर्ड यूज करिए. इट इज अ सप्लाई ऑफ सिंगल सेलर या ऑल द सेलर्स. सिंगल सेलर और ऑल द सेलर, बिकॉज प्रोड्यूसर वर्ड हम मैक्रो इकोनॉमिक से कोरिलेट कर लेते हैं. तो आप अगर नो डाउट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर वन एंड द सेम थिंग, हम सेलर की जगह अगर प्रोड्यूसर वर्ड यूज करें तो बेटर होगा कि सेलर वर्ड इज बेटर टू बी ऑप्टेड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो हम वर्ड सेलर यूज करेंगे. इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट ऑल द सेलर्स टेकन टूगेदर आर ब्रिंग टू द मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में इट इज अ टेबल ऐड करके, तो मार्केट सप्लाई की जो डेफिनेशन है उसी को सब्सिट्यूट करना है. मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन में सिर्फ इट इज अ टेबल शोइंग ऐड करना है, जैसे इंडिविजुअल में ऐड किया था, बाकी डेफिनेशन टोटली सेम रखनी है. सो विद दिस वी कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल. टिल दिस विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर एंड इन टुमारो लेक्चर विल प्रोसीड फर्दर विद द चैप्टर सप्लाई. थैंक यू.